हेलो एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के सेशन में, हमारे ये मैथ का सेशन है। इसमें हमने आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रखे हुए हैं जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसमें हमारे कौन कौन से प्रश्न हैं। तो देखिए, ये हमारा पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पर यह हमारा पहला टॉपिक है, इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाएंगे। तो ये हमारा फटाफट रिवीजन क्लास है, तो इसमें हम रिवीजन क्लास में फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रश्न इसमें बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए पेपर के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देख लेते हैं, पहला प्रश्न है एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। तो जैसे एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा है जिसको हम ए बी मान लेते हैं, ए बी, इस पर कितनी रेखाएं या कितने बिंदु इस पे हम रख सकते हैं। तो इसमें बिंदुओं की संख्या कितनी होती है वो आप बताएंगे। जीरो होती है, दो होती है, एक हो सकती है या फिर असंख्य हो सकती हैं। तो देखिए, इस पे कितने भी बिंदु बना दें हम, ठीक है, कितने भी बिंदु बना दें तो वो क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, असंख्य। इसमें हम असंख्य बिंदु रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 70 से 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं है। तो कुल अभाज्य संख्या कितनी है, कितने, तो 70 से 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, अभाज्य संख्याओं की एक हमारी ट्रिक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, ये ट्रिक है 44, 22, 32, 32, 23 और 21, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। क्या है ये, है हमारी है ट्रिक, क्या है ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। ये ट्रिक है 44, 22, 32, 23, 21, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें 70 से 100 तक निकालना है। तो देखिए, इसमें हम 10-10 का ये रखेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 70 कहाँ आता है, तो 70 हमारा यहाँ पे आता है ना। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 हो गया। तो 70 से हमें आगे देखना है ना, 70 से आगे कितना होता है, 3, 2, 5, 1, 7, तो कुल संख्याएं 7 हो जाएंगी। जो 70 से और 100 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी होंगी, तो 70 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हमारी 7 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 7 संख्याएं कुल हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं 70 से 100 तक, ठीक है। अगर अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न देखेंगे, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देख लेते हैं 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं इसमें कितनी हो जाएंगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है तीसरा, क्योंकि दो क्वेश्चन हम देख चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है। तो देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें क्या देखना है, अभाज्य संख्याएं देखना है। हमने ट्रिक देखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ है 44, 22, 23, 32, 23, 21, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें निकालते हैं। तो देख लेते हैं हमें क्या करना है, 1 से 50 तक निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 5 मतलब 50, 10-10 की मतलब 10-10 का हमने गैप रखा इसमें है, तो इन सबको हम जोड़ लेंगे। देखिए 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15, ठीक है, कितना हो गया 15। तो एक से पचास तक कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 15 संख्याएं हो जाएंगी, कितनी अभाज्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 15, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ 65 से 100, 65 से 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 65 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी ये हम इसमें देख लेंगे। तो देखते हैं 65 से 100 तक हम देख लेते हैं। तो देखिए यहां से 10-10 का काउंट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 यहां बनता है, ठीक है, 70 यहां बनता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और हम देखना कितना है, 65 देखना है। तो पहले हम यहां तक गिन लेते हैं, देखिए 2, 2+3+2+1, तो इनको काउंट कर ले हम, 3, 3, 6, 6, 6 और 2, 8, कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखते हैं हमें, हमने देखा क्या है, 70 तक देखा है, हमें देखना कहां तक है, 65 तक। तो 65 तक हम देखेंगे, तो देखिए 65 तक देखेंगे, तो देखिए 65, 66,
67, 68, 69 और 70। हमने 70 से 100 तक देखा है, इधर नहीं देखा हमने, इतनी संख्या है। तो 65 से और 70 के बीच में, 65 से 70 के बीच में कोई अभाज्य संख्या है क्या? तो हाँ है, एक संख्या है 67। ठीक है, तो इसमें प्लस हम 1 कर देंगे तो यहाँ पर हमारी 9 हो जाएंगी। ठीक, कितनी? 9। 9 संख्याएं हमारी हो जाएंगी, वो क्या है, 65 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 9 हो जाएंगी। कितनी? 9 संख्याएं कुल हो जाएंगी। ट्रिक हमारी क्या है? ट्रिक हमारी यही है, क्या करेंगे, 44, 22, 32, 23 और 21, ये हमारी ट्रिक है। क्या है ट्रिक है, देखिए, 1 से 10 तक कुल अभाज्य संख्याएं 4 होती हैं, और फिर 10 से 20 तक कुल अभाज्य संख्याएं 4 फिर होती हैं, फिर 21 से 30 तक 2 होती हैं, और फिर 31 से 40 तक 2 होती हैं। इस तरीके से हम टोटल निकाल लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 81, 82, 83 और 84 -89 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे, ये हम जरा देख लेते हैं। तो देख लीजिए, ये थोड़ा हमारा कुछ नोट है। नोट क्या है, 5 × विषम संख्या। अगर 5 के साथ में हम विषम संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा संख्या अलग मिलेगी। तो क्या मिलेगी हमें, संख्या 5 ही मिलेगी। अगर हम 5 के संग में एक सम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा। जैसे देख लेते हैं, जैसे हम क्या देखेंगे, तो देख लीजिए, 81, 82, 83, 84 और 85। अब देखते हैं, देखिए 81 और क्या है, 81 और 82। तो देखिए 81 82 82 और 2 84। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 84 82 84। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मिल गया। अगर हम 5 की गुणा 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 10। हमें 0 हमारा हो गया, 10 हमारा 0 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 0 जहाँ पर हमारा आ जाएगा तो हमारे क्या आ जाएंगे, इसमें जो इकाई अंकों की इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक हमारा इसमें 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे, संख्या दी हुई है 2137, इसके क्या है, इसकी पावर है 753 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इकाई का अंक हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं इसको हम किस तरीके से करते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इसको नहीं कर पाते हैं तो हम यहाँ देखेंगे। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र हम देख लेते हैं। जैसे घातांक क्या है, घातांक का अंतिम अंक बटे चार बराबर क्या होता है, बराबर होता है शेष। ठीक है, तो अब क्या हम देखेंगे, बराबर होता है शेष। ठीक है, तो क्या होता है, यही हमारा होता है, इसको हम निकालते हैं ऐसे हैं। अब देखिए, तो हमारा ये लिखा हुआ है 2137, 2137 की पावर कितनी है, 753 है। तो क्या करेंगे हम, 753 को हम यहाँ रखेंगे, 753। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। देखिए 4 × 4 यहाँ पर आया, क्या है, हासिल आया 3, यहाँ तारीख 5 को। अब क्या करेंगे, 4 × 28 = 32 फिर आया कितना, 3। अब हम यहाँ पर ये 3 उतार लेंगे, क्या है, अब 4 × 8 = 32 फिर है 4 × 8 = 32 तो यहाँ पर कितना आया, अब शेष कितना आया, शेष आया है 1। तो क्या है, शेष आया है 1।
तो अब देखिए यहाँ पर 2137, ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक कितना है 7, तो 7 के ऊपर हम जब पावर 1 लगाएंगे तो 7 का 7 ही रहेगा, क्या रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही हो जाएगा। सब हफ्ता आपको समझ में आया होगा। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पावर को भाग देते हैं किससे, तो पावर को भाग देते हैं 4 से, ठीक है, 4 से हम पावर को भाग देते हैं, और जो हमारा शेष बचता है रिमाइंडर जो शेष बचता है, शेष हमारे इसमें बचा है 1, तो अब जो हमारी संख्या जो है उसका जो लास्ट वाला इकाई का अंक है उस पर हम वही पावर लगा देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम वही पावर लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 होता तो 7 × 49 हो जाता, तो इकाई का अंक हमारा 9 हो जाता। यहाँ पर हमारा 1 है तो 7 के गुणा जब 7 से 1 से करेंगे तो 7 × 1 = 7, तो 7 का 7 ही आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें है 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा हो जाता है। तो हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा कौन सा सही बनेगा। तो देख लेते हैं, वैसे ही हमें इसको करना है, तो क्या हम इसको उठा लेते हैं, यहाँ पर 153 को हम 4 से करेंगे भाग, तो यहाँ से हम ऐसे ही कर लेते हैं क्योंकि आपको नहीं पता है, तो 4 × 12 यहाँ पर कितना बचा हमारा शेष 3 बचा है, इसको 3 को यहाँ उतारेंगे। अब 4 × 8 = 32, तो यहाँ पर कितना बचा रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है, रिमाइंडर हमारा 1 बचा है। अब दूसरी संख्या हमारी है 72, तो 72 को भी हम 4 से करेंगे, देखिए 4 × 1 = 4, यहाँ पर कितना बचा है 2, अब यहाँ पर 2 उतार लेंगे इसको, 4 × 8 = 32, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या है 0, ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 आया है। एक हम नोट देख लेते हैं, नोट हम देख लेते हैं, अगर 0, 0, 1, 5 और 6 अगर जिस भी संख्या में लास्ट में आएगा तो वही संख्या उसका वर्ग हो जाएगी, ठीक है, तो वही उसका उत्तर हो जाएगा। तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा इकाई का अंक है 7, तो 7 के ऊपर हम क्या लगाएंगे 1, ये हमारा रिमाइंडर 1 बचा था, गुणे, अब देखिए यहाँ पर 0 है तो 1 के ऊपर भी हम 0 लगाएंगे, तो 1 के ऊपर 0 का 0, तो 7 × 0 तो बराबर क्या आएगा 7, ठीक है 7, तो इसमें भी हमारा इकाई का अंक जो है वो कितना आ जाएगा, इकाई का अंक हमारा 7 इसमें हो जाएगा। जिस संख्या में 0, 1, 5 और 6 लास्ट में होगा, लेकिन यहाँ पर 1 लास्ट में है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, वही संख्या हमारी उसका इकाई का अंक हो जाती है। चलते हैं देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 7 की पावर 95 और 3 की पावर 58, तो इसमें हम देखें इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा। तो क्या करते हैं, वही पावर अपनी उठा लेते हैं, पावर को हमने यहाँ उठा लिया है, 4 से करेंगे इसको हम डिवाइड, तो 4 × 2 = 8, यहाँ पर 1 आया है 5, अब 4 × 12 शेष कितना बचा है, शेष हमारा रिमाइंडर यहाँ पर बचा है 3, ठीक है, अब इसको उठा लेंगे 58 को, तो 58 को हम जब 4 से करेंगे डिवाइड, तो 4 × 1 = 4, 1 बचा, यहाँ पर 18, 4 × 16 कितना है, 4 × 16 यहाँ पर रिमाइंडर हमारा शेष बचा है 2, ठीक है, शेष बचा है 2, अब वो संख्याएं क्या है, तो देखिए हमारा संख्या है 7, तो 7 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, 7 के ऊपर पावर लगाएंगे 3, माइनस हमारा ये है, संख्या क्या है 3, संख्या 3 है, हमारा शेष क्या बचा है, शेष बचा है यहाँ पर 2, अब इसको हम हल करेंगे, तो देखिए 7 का वर्ग क्या होता है, 7 × 49 = 343, क्या है 343 माइनस 3 × 9, अब देखिए अब यहाँ से हम इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे क्या आएगा 9 × 4 = 13, तो क्या आएगा 334, क्या है 9 × 4 = 13, देखिए ऐसे नहीं हो पा रहा है, अगर आप रीसा नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए ऐसे हम यहाँ इसको रख लेते हैं 9 × 4 = 3, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर 13, तो 13 में से जब 9 जाएगा तो 9 × 4 = 13, ठीक है, यहाँ पर 3 का 3 रह गया और ये 3, ठीक है, अब इसमें इकाई का अंक हमारा ये संख्या हमें प्राप्त हुई है,
तो इसमें इकाई का अंक क्या है? तो इकाई का अंक इसमें हमारा 4 है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें क्या है, इकाई का अंक इसमें हमारा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकाई का अंक इसमें हमारा 4 हो जाएगा। तो संभवतः आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या हमारा है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 1, 2, 3, 4, 5। देखिए सीरियल वाइज क्रमानुसार लिखी हुई है, 1 से 73 तक का गुणा करने पर शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसमें हम शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे तो किस माध्यम से करते हैं? तो देखिए पहले लिख लेते हैं, देख लेते हैं कितनी संख्या तक हमें जाना है। तो देखिए यहाँ पर हम रखते हैं 73 को। अब इसको हम भाग विधि से हल करते हैं, ठीक है। भाग विधि क्या होती है? तो देखिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसको हम शून्य समय कब मिलेंगे? जब हम 2, 5 से गुणा करेंगे, जैसे 5 × 2 = 10 या 5 × 4 = 20, ठीक है। जब 5 से गुणा करेंगे तभी हमें शून्य मिलेगा, वैसे शून्य तो मिलेगा नहीं कहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे, 5 से इसको भाग करते हैं। तो देखिए 5 × 1 = 5, यहाँ पर कितना हुआ, इधर हो गया 5, तो यहाँ 2 बचे, 5 × 20, ठीक है। अब देखिए शेष का मतलब इसमें कुछ नहीं होता है, तो शेष हमें नहीं देखना है। अब फिर से हम इसको 5 को करेंगे, 5 × 2 = 10, क्या है, 5 × 2 = 10। अब देखिए जो इसमें शेष रहता है वो आप टेंशन न लें, शेष हम इसको शेष इसमें नहीं लिखते हैं, ठीक है। पर हाँ इसमें हासिल लेंगे, हासिल लेते हैं, शेष नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसमें हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए किसी भी किसी तरीके से हमें शून्यों की संख्या इसमें निकालनी है। तो देखिए अब हम इसको ये इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़िए 14 और 2 = 16, तो कुल हमारे इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यों की संख्या कुल हमारी होगी 16, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न आए तो हम क्या करेंगे, अगर ये सीरियल वाइज है 1, 2, 3, 4, 5 करके है, तो हम लास्ट की संख्या लेंगे, उसको हम 5 से भाग करेंगे और जो भी हमारे लास्ट में शेष होंगे, देखिए 5 से 2 भाग करेंगे तो भाग होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको जोड़ लेंगे, इन दो को जोड़ेंगे और जो भी जोड़ने में आएगा वो हमारी शून्यों की संख्या हो जाएंगी। तो आप लोग इसे शेयर जरूर करते रहें भैया, ठीक है, जिससे हमारा मोटिवेशन हमें मिलता है और आप लोगों को भी अच्छा समझ में आ रहा है, इससे हमें पता चलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा हमारा हो जाएगा। तो चलते हैं देख लेते हैं इसमें हमारा अब कौन सा प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर हमारा है कौन सा, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 10 कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, क्या है, 2, 4, 6, 8 … 150 को गुणा करने पर शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी। तो देखते हैं क्या करेंगे, तो देखते हैं कुल संख्या हमारी कितनी है, तो कुल संख्या हमारी है 150, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर हमारे जो क्या है अंतर कितना है, अंतर कितना है, तो देखिए अंतर क्या है, देखिए 2 − 4, ठीक है। तो 2 − 4 में हमारा अंतर हो जाएगा 2 का, कितने का है, 2 का अंतर है, तो इसलिए हम पहले इसको 2 से कर लेंगे भाग, तो कितना हो जाएगा 75। तो कुल संख्याएं हमारी कितनी हो जाएंगी, 75 संख्याएं हो जाएंगी, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कितनी संख्या हो जाएंगी, 75 संख्याएं हमारी हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 75। अब हम उसी तरीके से 5, 5 से इसको भाग करेंगे, तो देखिए 5 × 5, अब यहाँ पर 2 बचा है, 5 × 25, क्या है, 5 × 25, 15 × 5 = 75, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर फिर से 5 से करते हैं, तो देखिए 5 × 3 = 15, क्या है, 5 × 3 = 15। अब हम 5 से 3 को भाग करेंगे तो भाग होगा नहीं, क्योंकि 3 हमारा छोटा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दो संख्याओं को जोड़ लेंगे, इन दो संख्याओं को जोड़ने पर 15 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ पर हमारी जो शून्यों की संख्या होगी 18 होगी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, शून्यों की संख्या यहाँ पर 18 हमारी हो जाएगी। तो देख लिया हमने है, देखिए पहले हमने देखा था मल्टीपल 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देख लिया है इसके अंतर पर, देखिए 4 और 2 में अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर हो रहा था, देखो 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको 2 से भाग किया था, ठीक है, इसके लिए हमने इसको 2 के भाग किया, 75 संख्या टोटल हमें मिल गई, 75 संख्या को हमने इस तरीके से इस भाग करके निकाल लिया है, तो 18 कुल हमारे यहाँ पर शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 11, क्या है,
8,67,943 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए स्थानीय मान आप जानते होंगे और जातीय मान भी जानते होंगे। देखिए स्थानीय मान क्या कहते हैं, स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो देखते हैं इसको यहाँ लिख लेते हैं 8, 6, 7, 9, 4, 3। तो इसमें स्थानीय मान हम देख लेते पहले हैं, तो पहले यहाँ स्थानीय मान देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ पर हम इसके पीछे 3 जीरो रख लेते हैं, 7,000, ठीक है। अच्छा जातीय मान क्या होता है, तो जातीय मान उसकी खुद संख्या का ही जातीय मान होता है, जो अपनी जाति को बताए कि मैं क्या हूँ, तो मैं 7 हूँ, तो वो 7 का अपना जातीय मान बता रहा है, तो इसको 7 को हम इसमें माइनस कर देंगे तो क्या आएगा। देखिए यहाँ से दहाई लेते हैं, यहाँ दहाई लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पर हमारा 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ से मैं दहाई ली थी तो यहाँ पर 6 है। तो इसमें देखिए यहाँ पर कहाँ पर ऐसा है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी मिल रहा है। ये हमारा हो जाएगा क्या है, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना होगा, तो हमारा जातीय मान का अंतर कितना हो जाएगा, 6,993 हमारा हो जाएगा। तो संभवतः आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा हमारा है। तो ये हमारे संख्या पद्धति पर चल रहा है सेशन, जिसमें हम हर तरीके का क्वेश्चन इसमें रख रहे हैं, जिससे आप लोगों को यूपी पुलिस में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देख लेते हैं ये प्रश्न, और 120 के भागों की कुल संख्या ज्ञात करें, तो उसमें 12 है, 16, 15 या फिर 11, तो उसमें से कौन सी संख्या हो जाएगी। तो कुल भाजकों की संख्या आप किस तरीके से निकालते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पर हम 120 के फैक्टर करेंगे, 120 के, तो यहाँ देखिए 2 से भाग करते हैं, तो 16 दून 6 दून 12, 120, फिर यहाँ इसको 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे 15 आएगा, और अब इसको करेंगे हम 3 से, तो 3 बचे 15, अब इसको हम करेंगे 5 से, तो यहाँ पर 1। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2 हमारा कितनी बार आया है, 2 आया है 3 बार, तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं गुणे 3 कितनी बार आया है, तो 3 आया है 1 बार, 5 कितनी बार आया है, तो 5 आया है 1 बार। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो हमारी ये घाते आई हैं इनको हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो क्या है, ये सूत्र हमारा होता है एन प्लस 1, ठीक है। तो इस क्या करना है, 3 प्लस 1 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस 1, और यहाँ पर भी 1 प्लस 1। तो देखिए 3 1 4, फिर गुड़े 1 1 2, फिर 1 1 2, ठीक है। देखिए 4 2 8, 8 2 16, तो क्या है कुल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल भाजकों की संख्या हमारी 16 इसमें हो जाएगी, ओके। कुल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अगर इसमें पूछता है कि सम भाजकों की संख्या, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, अगर सम भाजकों की संख्या पूछता है तो देखिए हमारा क्या निकला है, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे हम, देखिए ये 2 की पावर जितने हैं उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे गुणे, इनके हमें इन विषम में सम में प्लस मत करेंगे, तो 2 गुणे 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, सम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अगर हम देखते हैं विषम भाजकों की संख्या, इसी में पूछ ले विषम भाजकों की संख्या, तो विषम भाजकों की संख्या किसमें क्या है, तो सम को हम हटा देंगे, इसमें कितना है, तो 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो 4 हमारी विषम भाजकों की संख्या हो जाएगी, सम भाजकों की संख्या 12 है, विषम भाजकों की संख्या 4, और कुल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।